हमने लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे दूध। और आप देख सकते हैं हमने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करा है। कोशिश करना कि फुल क्रीम दूध हो, थोड़ा क्रीमिश होगा, रिच होगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमने 1 किलो दूध लिया है। इसको हमने बॉईल करना है। देखिए दूध हमारा गर्म हो गया, अभी ये थोड़ा सा गुनगुना हुआ है। थोड़ा सा दूध हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने जो बाउल में थोड़ा सा दूध निकाला है उसमें से, और ये हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है ये। आपको जो अच्छा फ्लेवर लगे आप ले सकते हो, बटर स्कॉच या वनीला। मैंने वनीला लिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे डाल के इसको मिलाएंगे। ये देखिए हमने जो दूध निकाला था इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है, और हमने इस ढंग से मिलाया है। देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं दिखेंगे आपको, देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से हमने इसको अच्छे से मिला लिया। अब देखिए दूध हमारा गर्म हो गया है, उबाल आने लगा है दूध में। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। ये हमने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, आपको कैसा पसंद है। आप मीठा पसंद करते तो थोड़ा ज़्यादा डालना, टेस्ट अनुसार आप डाल लेना। आप देख सकते हैं दूध में हमारे उबाल आ गया है, और ये जो हमने तैयार किया था इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल के, अब इसको हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। और इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कस्टर्ड है ना नीचे जाके तले पे बैठ जाता है और नीचे जम जाएगा, इसलिए इसको हाथ के हाथ चलाते रहे कंटिन्यू, जब तक इसमें उबाल ना आने लगे और तब तक इसे चलाते रहे। धीरे धीरे हम इसे डालेंगे। इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए हमने ये फ्रूट्स लिए हैं, ये हमने केला लिया है, संतरे लिए हैं, अनार लिया है, हरे अंगूर लिए हैं और काले अंगूर लिए हैं, और सेब लिया है। सेब हमने इसलिए नहीं काटा है अभी, क्योंकि सेब अभी काट लेंगे तो ये काला पड़ जाएगा, लाल हो जाएगा एकदम, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमने फ्रूट्स लिए हैं। आपको आपके जो फेवरेट फ्रूट्स हो आप वो फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन ये देखना कि वाटर वाले फ्रूट्स ना हो, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इन्हें अवॉइड करें। बाकी आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए हमारा बैटर बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, और इसको लगातार आपने चमचा चलाते रहना है कि इसमें मलाई ना जमे। अगर आप इसमें चमचा चलाना छोड़ेंगे तो नीचे सारा जो कस्टर्ड पाउडर है नीचे बैठ जाएगा। ये देखिए ये गाढ़ा हो रहा है, से आप थिकनेस देखना, चेक कर लेना। अभी थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा करना है। ये देखिए अभी और ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ज़्यादा आप इसको गाढ़ा मत कर देना, क्योंकि ठंडा होने के बाद और ये गाढ़ा होगा, इसलिए इसको अभी हम देख रहे हैं। इसे थोड़ा और इसको हमने कढ़ाना है। जितना कढ़ेगा और दूध बनेगा और क्रीमी पन इसमें आएगा। तो गाइज आप देखिए हमारा ये रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, बहुत बढ़िया थिकनेस आई है। देखिए अब हम इसे फ्रूट से गार्निश करेंगे। अभी पहले हम एप्पल सेब काट लेंगे। अब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे। ये हम पहले डालेंगे सेब,
संतरे, अंगूर, केले, अनार, ये कुछ फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं, इसको ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए रखे हैं। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये अपने घर में सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये उनको आप जरूर बना के खिलाना, ये बहुत हेल्दी है उनके लिए, बहुत फायदेमंद है। और जैसे गर्मी आ रही है, गर्मियों में ये आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे तो पेट में बहुत अच्छी तराई बनेगी, ठंडक रहेगी, इससे हेल्दी है। चलो अब मैं आपको सर्व करके दिखाता हूं। गाइस हमारा फूड कस्टर्ड रेडी एंड गाइस आप देख सकते हो कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, मेरे से तो सबर नहीं हो रहा टेस्ट करने के लिए। तो चलो अब मैं आपको सीधा टेस्ट करके दिखाता हूँ। यम्मी गाइस, बहुत टेस्टी है ये। गाइस सो डिलीशियस गाइस, बहुत टेस्टी है ये। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने बनाया है फ्रूट कस्टर्ड, आप भी अपने घर में जरूर बनाएं, घर में बच्चों को जरूर खिलाएं, हेल्दी है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चों को टिफिन में दे, स्कूल से आते हैं गर्मी में, स्कूल से बच्चे आते हैं, जैसे आपको पता है गर्मियां चालू हो गई है, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत हेल्दी है। घर में सब खाइए और फ्रिज में ठंडा ठंडा निकाल के आप खाएंगे ना तो आपको पेट में ऐसा लगेगा वाह मजा आ गया। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, एंड आप हमें कमेंट में जरूर से बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड गाइस प्लीज सपोर्ट अस।